नमस्ते, मेरा नाम सूरज मोतीवाला है। मैं भारतीय बहाई समुदाय का एक सदस्य हूँ। आज मैं आपको बहाई धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको विभिन्न बहाई शिक्षाओं के बारे में सीखने में मजा आएगा। बहाई धर्म एक स्वतंत्र विश्व धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। यह इन धर्मों का एक संप्रदाय या शाखा नहीं है। बहाई धर्म के अनुयायियों को बहाई कहा जाता है। मैं अपने माता पिता या अपने आसपास के समुदाय के दबाव के कारण बहाई नहीं हूं। 18 साल की उम्र के बाद मैंने खुले दिमाग से बहाई धर्म और कुछ अन्य प्रमुख धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया और बहाई धर्म की शिक्षाओं का पालन करने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास मेरे सवालों के सबसे संतोषजनक जवाब थे। मैं इन शिक्षाओं को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि यह आपको हमारी इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बहाई होने के लिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर एक है। अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, हम सबका एक ही ईश्वर है। चाहे हम अरबी में प्रार्थना करें या संस्कृत में, चाहे हम स्वास्थ्य, धन या सहायता के लिए प्रार्थना करें, सभी प्राणियों की प्रार्थना एक ही ईश्वर के पास जाती है। भले ही भगवान के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के लिए अलग अलग देवता है। ईश्वर एक है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, वह सारे जगत के परम रचयिता है। फिर जो मुझे बहाई धर्म के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, वह है प्रगतिशील मार्गदर्शन के बारे में शिक्षण। बहाई धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर को मनुष्य की रचना से प्यार था। हम मनुष्य ईश्वर की सबसे बेशकीमती रचना है, क्योंकि हमारे पास कई अनोखी शक्तियां हैं जो हमें अन्य निर्मित चीजों से अलग करती है। हमारे कई उपहारों में से एक मनुष्य की सोचने और समझने की विशेष क्षमता है, लेकिन इस क्षमता को विकसित करने के लिए मनुष्य को एक दिव्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। हमारी दुनिया में जिन्हें कृष्णा, बुद्ध, ज़ोरास्टर, मूसा, क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद के नाम से जाना जाता है, बहाई धर्म हमें बताता है कि दिव्य शिक्षक मानव जाति के लिए ईश्वर के संदेश वाहक है। वे अलग अलग समय में एक के बाद एक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आए और धीरे धीरे मानवता को शिक्षित किया है। उदाहरण के लिए, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले भगवद गीता के माध्यम से मानव जाति का मार्गदर्शन करने आए थे और उत्तरी भारत में प्रकट हुए थे। उसी तरह मोसेस, मूसा इजिप्ट के आसपास पैदा हुए थे और लगभग 3500 साल पहले मानव जाति का मार्गदर्शन करने आए थे और उन्होंने द ओल्ड टेस्टमेंट का खुलासा किया था। नेपाल के दक्षिण में लगभग 2800 साल पहले भगवान बुद्ध मानव जाति को मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हुए थे। जीसस क्राइस्ट 2020 साल पहले सभी मानव जाति को शिक्षित करने के लिए प्रकट हुए और नजरत में पैदा हुए थे। उनकी शिक्षाएं बाइबल में मौजूद हैं। और फिर पैगंबर मोहम्मद लगभग 1600 साल पहले सभी मानव जाति के उत्थान और मार्गदर्शन के लिए आए थे और उनका जन्म मक्का में हुआ था। उन्होंने पवित्र कुरान के माध्यम से दुनिया को शिक्षित किया। तो अंत में निष्कर्ष निकालने के लिए, बहाई मानते हैं कि भगवान ने हमेशा अपने दूतों को मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है और जब भी मानव जाति को नए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो नए संदेश भेजना जारी रहेगा। जब भी पृथ्वी पर अधर्म से स्थापित होगा तो धर्म स्थापित करने के लिए ईश्वर के संदेश वाहक फिर आएंगे।
उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, वे अलग अलग दिख सकते हैं, अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन वे सभी पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए आते हैं। उनकी शिक्षाओं में अंतर इसलिए है क्योंकि जिस अवधि में वे प्रकट हुए उनकी अलग अलग चुनौतियां थी। जाहिर है कि पहली से दसवीं तक की सभी कक्षाओं में एक ही पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। इसी तरह विकासशील मनुष्य की क्षमता के अनुसार विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में हमेशा क्रमिक परिवर्तन होता रहा है। शिक्षाओं में इन अंतरों का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक अलग और विरोधाभासी है। हमारा ईश्वर एक है, उनके सभी दिव्य शिक्षक एक ही स्रोत से आते हैं और मानव जाति एक परिवार है।